को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर कमिश्नर एकादश तथा रेलवे ऑफिसर्स एकादश के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें रेलवे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया और निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए कमिश्नर एकादश की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 157 रन ही बना सके और रेलवे की टीम ने 32 रन से जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने विजेता तथा उपविजेता टीम को सील देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी राजेश डी मोडक, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार सहित प्रशासन व रेलवे के खिलाड़ी और अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, रेलवे सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह तथा अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा। सर आपको देख के लग रहा है खेल रहे हैं कई दिनों से। हाँ वो मैं पहले भी कर लिया था ना। ये सब बढ़िया खेलते हैं। नहीं नहीं सर ने रणजी खेला है, रणजी खेलता है। हम लोग हमारी टीम करेंगे। बोलिए सर हेड कोई बात नहीं, क्या करना है। लोग पीछे नहीं जाते, आगे Thank you.
अगली बार से अंपायर हमारा रहे। आज महाप्रबंधक एकादश और कमिश्नर एकादश महोदय के बीच जो है कमिश्नर एकादश की टीम को हरा के आज इस महत्वपूर्ण मैच को जीता, इसके लिए मेडिसिन कमिश्नर साहब उपस्थित हैं, साथ ही हमारे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुरुषोत्तम रेलवे श्री पंकज कुमार सिंह सर भी उपस्थित हैं। एक बार हमारी टीम का भी फोटो होगा सर, अलग से दोनों ट्रॉफी से भैया। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये वो चिराग है जो कई आंधियों पे भारी है। थैंक यू। फोन ग्राम के वंटेज मिला रेलवे के सर को मैंने तो मिला होता है। नहीं बेस्ट बैट वो बाल ये फ्रेंडली मैच था और एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत ही अच्छे हौसले और हिम्मत के सहारे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के बाद बहुत कम रनों से हारे हैं। उसमें चूंकि डेली की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो उसमें फील्डिंग के कुछ रन हम लोग जो नहीं बचा पाए वो हमारी तरह से एक हार का श्रेय का कारण बने हैं। फिर भी हम रनर अप हैं, हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हैं। बहुत अच्छी फाइट दी है हमारे सारे ऑफिसर्स ने, सभी ने बड़ी टीम वर्क से काम किया है और स्पोर्ट्समैनशिप का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं जीतने वाली रेलवे की टीम को बधाई देता हूं और रनर सब टीम की को भी बहुत बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने कई कई बरसों बाद अपने बल्ले उठाए हैं, चाहे ADG सर हों, कमिश्नर सर हों, हमारे IG सर हों, एडिशनल कमिश्नर सर हों, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हों, इन लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है जबकि ये लोग बहुत सालों से इस गेम से दूर थे। इसलिए दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई और स्पोर्ट्समैनशिप को लिए सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही अच्छा मैच रहा। आप लोगों को पता है कि लगातार रेलवे और प्रशासन एक साथ कार्य करती है और अभी जब श्रमिक विशेष ट्रेनें आ रही थी उस दौरान हम लोगों ने वो कोऑर्डिनेशन देखा कि जब लगभग 3 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को जो हमारे भाई बंधु थे जो यहाँ आए गोरखपुर स्टेशन पर, उनको किस प्रकार से हमारे प्रशासन के लोगों ने सड़क मार्ग से उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया। और कोविड के सिचुएशन अभी भी चल रहा है, ऐसे में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार हम लोग कोई ना कोई कैंपेन चलाते हैं, जैसे अभी फिट इंडिया कैंपेन चला रहे थे हम लोग और उसी क्रम में ये मैच भी आयोजित किया गया था और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है उनका बड़ा योगदान रहा। और जैसा कि अभी एडिशनल कमिश्नर साहब बोल रहे थे कि हम लोग बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजरते हैं, स्ट्रेस भरी जॉब करते सारे के सारे लोग, ऐसे में इस तरह का मैच का होना बहुत ही अच्छा है और गेम की जीत हुई है, एक अच्छा मैच हुआ है। रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो 11 टीम थी, कमिश्नर 11 टीम, और बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ होती रहें, लोगों की फिटनेस बनी रहे और अच्छा कार्य करें हम लोग मिलकर। धन्यवाद। आज जो है कमिश्नर 11 और रेलवे ऑफिसर्स 11 के बीच में क्रिकेट का मैच हुआ है फ्रेंडली और इसमें रेलवे की टीम जो है जीती है और हम लोगों ने जो है आज अच्छा मौका मिला। और मेन चीज़ क्या है कि हम लोग रोज़ सरकारी कामों में उलझे रहते हैं, आज हम लोगों को थोड़ा सा अपना फ्रेशनेस भी मिली और थोड़ा सा एक एनर्जी मिलती है जिससे हम और सरकारी काम को बेहतर तरीके से कर सकें।